तो दोस्तों टागली टॉक्स की एक और नई वीडियो में फिर से स्वागत है आपका। और आज की वीडियो में हम डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं फटाफट से। जो ब्रेजा फेसलिफ्ट आई है उसका ये सेकंड टॉप देख रहे हैं और वो पीछे जो रहा है इसका सेकंड बेस, मतलब ये ZXi है वो है VXi। तो इनके बीच में क्या क्या जो है सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन से फीचर ज़्यादा जो है ZXi में मिल रहे हैं, VXi में कौन से कम मिल रहे हैं, उसकी बात फटाफट से करेंगे। और सबसे पहले प्राइस, क्या प्राइस रहती है एक शोरूम। तो ये जो है 10,87,000 रुपये की इसकी एक शोरूम रहती है। बाकी जो VXi है, VXi की जो एक शोरूम रहेगी 9,47,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस रहती है। तो मोटा मोटा अगर मान के चलिए 1,41,000 रुपये के आसपास जो है आपको प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 1,41,000 रुपये महंगी जो है ZXi आपको मिलती है। तो इसमें जो है क्या एक्स्ट्रा है 1,41,000 रुपये में, उसकी बात कर लेंगे फटाफट से हम। सबसे पहले चाबियाँ जो वो आप देख रहे हैं ना VXi, तो VXi में जो चाबी है कुछ ऐसी देखने को मिलेगी चाबी आपको। इस तरीके से आपको जो है लॉक अनलॉक, मतलब रिमोट लॉकिंग, सेंटर रिमोट लॉकिंग आपको इसमें मिल जाती है इसमें। लेकिन जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप इसमें देखें ना तो इसमें जो है चाबी कुछ ऐसी रहती है, काफ़ी थोड़ी प्रीमियम सी लगती है इस तरीके से, लेकिन वही सेंटर रिमोट लॉकिंग है इसमें। तो इसमें लेकिन जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा और जो है आपको रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो कीलेस एंट्री जो है इसमें हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब जो है इसके अलावा और क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस तो आपने ये देख ही लिया जो कि आपने देखा। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट अगर आप ये देखें तो जो ये रहता है, आप ये जो देख रहे हैं ये है इसका ZXi। तो ZXi में लाइटिंग सेटअप ये पूरा जो है आपको जो मिलेगा ये मिलता है पूरा LED में। LED में कैसा मिलता है एक बार जो है मैं आपको चेक करवा देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। चाबियों का डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया है आपको, चाबियों का डिफरेंस आपने देख लिया। तो यहाँ से इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसा कि मैंने बताया था उसमें आपको मिलेगा। और एक बार यहाँ से इंडिकेटर्स भी आपको चला के दिखा देते हैं, तो काफ़ी प्रीमियम से लगते हैं। तो ये रहते हैं यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स, ये इसके जो है डुअल बैरल आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स ये मिलेंगे इसके DRS। तो ये रहता है पूरा लाइटिंग सेटअप, बाकी एज इट इज़ जैसा कि आपको यहाँ पे ग्रिल जो है ये आपको पियानो जो है आपको ग्रे शेड में मिलेगी। ऊपर जो है आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इसके क्रोम कलर के जो है यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको ऊपर देखने को मिलता है। तो ये जो है लाइटिंग सेटअप ऐसा मिलेगा, लेकिन फॉग लैंप्स इसमें नहीं मिलती है। अब उसके बात करते हैं उसके फ्रंट सेक्शन की, फ्रंट आपको उसमें लाइटिंग सेटअप उसमें कैसा मिल रहा है। इसमें ये जो है इस तरीके से आपने लाइटिंग सेटअप देख लिया जो कि आपने देखा। अब उसकी बात करते हैं उसके फ्रंट सेक्शन की, तो इस तरफ से ही चलते हैं तो यहाँ पर एक बार लाइटें इसकी जला देते हैं तो जिसमें आपको पता लग जाएगा कि लाइटें इसमें कैसी रहती हैं। तो चाबी इसकी यहाँ पर ये रही, इस तरीके से चाबी ये रहती है, एक बार इसे जला दें। तो एलॉय जैसा, एलॉय तो इसमें नहीं है अभी बात करेंगे, लेकिन इंडिकेटर्स यहाँ मिल जा रहे हैं तो उसमें भी यही मिलते हैं। और ये रहता है लाइटिंग, जैसा कि आपको उसमें डुअल बैरल आपको LED आपको प्रोजेक्टर मिल रहे थे, इसमें सिंगल प्रोजेक्टर हेलोजन मिल रहा है। इंडिकेटर्स यहाँ रहेगा, एक आपको यहाँ पे भी मिलता है, उसमें इंडिकेटर्स यहाँ थे DRS थे, इसमें नहीं है। तो ये रहता है एक डिफरेंस। आगे जो है फ्रंट में आपको यहाँ पर फॉग लैंप्स इसमें नहीं है, लेकिन उसमें भी नहीं है। और बाकी ये चीज़ तो पूरी सेम टू सेम मिल रही है, तो एक तरीके से थोड़ी सी गोल मेटल हो चुकी है। तो डिफरेंस एक तो ये था जो कि आपने देख लिया, लाइटों का डिफरेंस था जो कि आपने देखा। इसके बाद और क्या डिफरेंस है, एक्सटीरियर से ही पूरा जो है कवर अप करते हैं। तो यहाँ से आपने देख लिया, अब जो है साइड की बात इसकी कर लेते हैं अब हम पहले। तो एक बार यहाँ पे हेलोजन जो है ये, तो अब साइड की बात करें तो साइड से अगर आप ये देखेंगे तो VXi में मिलते हैं आप इस तरीके के जो है व्हील कैप विद स्टील रिम, R16 के स्टील रिम में 215/60 टायर प्रोफाइल के साथ में R16 ये आपको टायर मिलते हैं। और साइड में ऐसी कुछ रहती है, लेकिन ORBMs आपको इंडिकेटर के साथ में मिलता है। लेकिन इसका अगर आप साइड प्रोफाइल देखें तो साइड प्रोफाइल में इसके आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स, काफ़ी प्यारे लगते हैं ये जो आप ये देख रहे हैं R16 के रहेंगे। लेकिन टायर प्रोफाइल दोनों में सेम है, बस इसमें एलॉय है इसमें स्टील रिम में। बाकी जो है ORBMs तो सेम टू सेम रहता है, ए पिलर इसमें भी ब्लैक, इसमें भी आपको ए पिलर ब्लैक ही देखने को मिलेगा। और रूफ रेल्स इसमें मिल जाती हैं, उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और बाकी दो व्हील आर्चेस में क्लैडिंग स्क्वायर शेप में इसमें भी है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगी वही 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। और रिक्वेस्ट सेंसर इसमें मिलते हैं, उसमें नहीं मिलेंगे जो कि आप ये देख रहे हैं, इसमें नहीं दिए गए हैं रिक्वेस्ट सेंसर। तो ऐसा कुछ रहता है इसका एक्सटीरियर का। पीछे की ओर चलें तो पीछे अगर आप ये देखेंगे ना
पीछे आपको डिफॉगर इसमें मिल जाता है, वाइपर नहीं मिलता, वॉशर नहीं मिलता और कैमरा इसमें नहीं मिलता है, बाकी सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। वैसे ही अगर आप इसका पीछे का देखते हैं, टेल लैम्प तो आपको टॉप से लेके बेस तक सेम टू सेम मिलेगी, इस तरीके से स्लीक ट्रिम आपको एकदम छोटी एकदम कह सकते हैं, काफ़ी स्लिम ट्रिम सी, ये आपको डिफ्यूज फॉर्म में ये इंडिकेटर्स रहेगा इसका, ये लैंप रहता है पीछे स्मार्ट हाइब्रिड की जो है बैचिंग। वहीं अगर आप इसका जो है रियर प्रोफाइल देखते हैं तो रियर में आपको ब्रेजा लिखा हुआ ये तो सारा कुछ मिलता है। इसमें क्या ऐड ऑन हो जाता है, एक वाइपर ऐड ऑन हो जाता है, एक वॉशर यूनिट ऐड ऑन हो जाती है और रूफ रेल तो ऐड ऑन हो रही है, एक कैमरा ऐड ऑन हो जाता है यहाँ पर, तो ये रहता है कैमरा। और ये पार्ट थोड़ा आपको लाइट ग्रे में आपको देखने को मिलेगा विद रिफ्लेक्टर्स के साथ में। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें मिल रहे हैं और उसमें भी मिल ही रहे हैं, तो यहाँ से आपने देख लिया। शार्क फिन एंटीना तो बेस वेरिएंट से ही रहता है, तो एक मोटा मोटा डिफरेंस जो है दोनों में क्या रहता है ZXi और VXi में, एक तो एलॉय है इसमें, उसमें एलॉयस नहीं दिए गए हैं, उसमें स्टील रिम दिए गए हैं, लेकिन काम चल जाएगा जिनकी अगर ये बजट में आ रही है तो। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर पीछे वाइपर आ जाता है इसमें, उसमें वाइपर नहीं आते हैं, कैमरा इसमें आ जाता है उसमें कैमरे नहीं आते हैं। साथ ही साथ फ्रंट में जो है LED प्रोजेक्टर डुअल बैरल आपको जो है लाइटिंग सेटअप विद आपको DRS के साथ में मिलता है, इसमें जो है सिंगल प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं और क्या रहता है। और ये कुछ जो है डिफरेंस आपने देख लिया, कैमरा जैसा कि इसमें है उसमें नहीं है, तो एक्सटीरियर के जो है डिफरेंस आपको जो है एक तरीके से पता लग गए होंगे। अब इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। जैसा कि जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है इसमें, चारों पावर विंडो इसमें मिल जा रही हैं, वो उसमें भी मिलेंगी आपको, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल आपको वायर बीम्स उसमें मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, सिल्वर शार्टन फिनिश उसमें मिलेगी, इसमें भी मिलेगी, ये ब्राउन टेक्सचर उसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिल जा रहा है। और यहाँ पे जो सीटें हैं इसमें ब्राउन टेक्सचर में मिल रही हैं, उसमें नहीं मिलेगी, एक बार चेक कराऊंगा मैं आपको। हाइट एडजस्टेबल सीट इसमें मिल रही हैं, उसमें नहीं मिल रही हैं। साथ ही साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जैसा कि मैंने बताया था, ये तो सारे मिलेंगे आपको, आइडल स्टार्ट स्टॉप और साथ ही साथ ट्रैक्शन ऑन ऑफ। और ये रहता है इसका पूरा इंटीरियर, तो थोड़ा पीछे करके जो है और बताऊं मैं आपको, तो ये जो है डैशबोर्ड जो आप ये देख रहे हैं ना, आपको ब्राउन टेक्सचर इसमें मिलेगा, बाकी ऐसा कुछ डैशबोर्ड रहता है। और इसे जो है ऑन करेंगे तो मीटर कुछ ऐसा ही सेम टू सेम मिलता है उसमें भी, लेकिन ये कलरफुल नहीं मिलेगा। और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दो एडजस्टमेंट इसमें मिल जाते हैं, ये और टेलीस्कोपिक क्रूज कंट्रोल मिल रहा है इसमें इस तरीके से जो कि आपने देखा। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको जो है 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो, थोड़ा इसमें एडवांस फीचर जो है आपको कनेक्टेड आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें नहीं मिलते हैं, अभी उसकी भी चेक करेंगे। 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट, USB का, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, तो ऐसा कुछ रहता है डैशबोर्ड जो कि आपने देखा, ये सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है, ग्लव बॉक्स का साइज एक बेसिक सा यहाँ पे मिल जाता है आपको, डे नाइट IRVM, ये आपको ये तो बेसिक चीज़ें हैं वो उसमें भी मिलेंगी, जो एक्स्ट्रा है ये बताता हूँ, ये आपको उसमें नहीं मिलेगा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ सनरूफ भाई साहब इसमें मिल जाती है आपको, ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिन्हें थोड़ा सनरूफ का शौक होता है ना, वो जो है यहाँ से शौक पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पहली गाड़ी है मारुति की जो कि सनरूफ के साथ में आ रही है, सेकंड टॉप और टॉप वेरिएंट में सनरूफ मिल जा रही है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, सनरूफ इसमें मिल रही है, तो मतलब 1,41,000 रुपये मेरे हिसाब से जो है चीज़ें दी हैं उस हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें इंटीरियर में आपने देख लिया क्या क्या इसमें मिल रहा है, तो एक बार उसमें भी ले चलता हूँ मैं आपको, इंटीरियर में क्या क्या डिफरेंस है जो कि आपको पता लग जाएगा। उसके इंटीरियर में चलते हैं फटाफट से कि उसके इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंटीरियर में यहाँ से हम जो है एंटर करेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया था ये ब्राउन टेक्सचर मिल रहा है उसमें नहीं है, ये ब्राउन टेक्सचर उसमें है इसमें नहीं है, ये सिल्वर साटन फिनिश जो है उसमें दी गई है यहाँ पे नहीं दी गई है, चारों पावर विंडो इसमें भी हैं उसमें भी है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल जो है वायर बीम्स यहाँ भी दिए गए हैं, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट यहाँ भी दी गई है, लेकिन ब्राउन में सीटें नहीं हैं, फैब्रिक में ही है दोनों में, लेकिन जो है इसमें ब्लैक में है पूरी। तो ये सारे कंट्रोल्स उसमें भी मिल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्राउन टेक्सचर उसमें मिल रहा था यहाँ नहीं दिया गया है। क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे नहीं है राइट साइड में, सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ में नहीं है ये स्टीयरिंग। और एक बार ऑन करें तो यहाँ पे ये चीज़ें सेम हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये बीच में जो है कलरफुल जो है इसकी MID नहीं दी गई है। और ये रहता है इसका 7 इंच का जो है स्क्रीन, सेम टू सेम ऐसी में थी उसमें भी, लेकिन ये स्मार्ट प्ले प्रो मतलब OTA कनेक्शन इसमें आपको नहीं रहेंगे, एक बेसिक सा जो है स्क्रीन मिल जाती है एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले के साथ में, लेकिन कैमरा था उसमें, इसमें नहीं है कैमरा, जैसा कि आपको
कैमरा जो है इसमें नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या है आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। तो ये कैमरा उसमें मिल रहा है, अभी आपको दिखा दूंगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मिल जा रहा है, तो ये सारे इसमें भी, उसमें भी मिल रहे थे, इसमें भी मिल रहे हैं। तो यहाँ से तो ये तो आपको बेसिक सा मिलेगा ही मिलेगा, डे नाइट IRVM, और सनरूफ इसमें नहीं मिलती है। तो मेजर डिफरेंस तो यही था, बाकी ये तो चीज़ें उसमें भी मिल रही थी। तो मेजरली चेंजेस आपने देख लिए इंटीरियर में क्या क्या है। कैमरा उसमें मिल जा रहा है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट उसमें है, इसमें नहीं है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें है, आपको उसमें आपको है, इसमें नहीं मिलेगा। और जो है सनरूफ इसमें नहीं है, उसमें मिल जा रही है। तो ये था जो है मेजर डिफरेंस। एक बार रियर में भी चेक कर लेते हैं, तो रियर में भी आपको पता लग जाएगा कि रियर में जो है क्या क्या चेंजेस हैं जो कि आपको इसमें मिलेंगे। तो रियर में जो चेंजेस हैं आप ये देखें, तो यहाँ पर सीटें तो ऐसी मिलेंगी आपको, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच में आर्मरेस्ट नहीं है, और पीछे एसी वेंट है, लेकिन आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है। बाकी स्पेस तो बहुत अच्छा खासा है। बाकी एक सिंगल साइज का रिव्यू करा है, वो तो आप देख ही लेना। चारों पार विंडो बेस वेरियंट से है। चार स्पीकर मिलेंगे इसमें, लेकिन ट्विटर नहीं मिलते शायद, लेकिन इसमें चेक करें तो इसमें जो है आपको पीछे जो है आपको बीच में आर्मरेस्ट दिया गया है विद कप होल्डर के साथ में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिल ही रहे थे उसमें भी, और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जो कि आप ये देख रहे हैं इस तरह का चार्जिंग सॉकेट। पीछे आपको एसी वेंट आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा, और थोड़ा क्रोम फिनिश थोड़ा प्रीमियम बना देती है इस वेरियंट को। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपने देख लिया। एक बार कैमरा भी आपको मैं दिखाई देता हूँ, इस तरीके से पीछे का बैक का कैमरा रहता है जो कि आपने देख लिया, ये रहता है बैक कैमरा। क्वालिटी आप देख लें, उसमें आपको बैक कैमरा नहीं मिल रहा था। तो मेजर डिफरेंस, अब 141,000 रुपये जब आप जो है ज़्यादा देंगे तो क्या क्या इसमें मिल रहा है। अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, हेडलाइट सेटअप पूरा LED डुअल बैरल में मिल रहा है, LED DRLs मिल रही है, इंडिकेटर्स भी आपको जो है इस तरीके के मिलेंगे। और बाकी यहाँ से आपने देख लिया, कैमरा भी जो है पीछे मिल जा रहा है, पीछे जो कि आपने कैमरा देखा, वाइपर आपको इसमें मिल रहा है, बाकी वॉशर यूनिट मिल जा रही है इसमें, और स्मार्ट हाइब्रिड इंजन। इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है, जो इंजन जो है आपने इसमें देखा वो भी इसी में है, सेम टू सेम वही 102 BHP वाला 137 Nm टॉर्क के साथ में कैमरा इसमें मिल रहा है। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन सनरूफ सबसे बड़ी चीज़ ये मिल जा रही है। तो मेरे हिसाब से जिनका जो है बजट अच्छा खासा है तो वो तो इसकी ओर जा सकते हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी वेरियंट तो ये भी रहता है, क्योंकि इसमें जो है एक बजटेड सेगमेंट में उसमें जो है सारी चीज़ें मिल जा रही हैं जो कि आपको इसमें जो एक जिनका बजट रहता है ना एक लिमिटेड 947,000 रुपये की है, मतलब 10-10.5 की जो है ये आसपास नंबर दे दूंगा उसके आसपास तो ये जाएगी। तो उस प्राइस पे आपको सारी कुछ चीज़ें इसमें मिल जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों वैल्यू फॉर मनी हैं, जिन पे जो है बजट अच्छा खासा रहता है। टाइट बजट वालों के लिए ये है, जिनका अच्छा खासा बजट है उसमें चाहते हैं कि मतलब सनरूफ भी मिल जाए, सारी कुछ चीज़ें मिल जाए, तो उसके लिए भी ये रह सकता है। तो मेजरली आपने 141,000 रुपये में एक्स्ट्रा इसमें देने में क्या क्या मिल रहा है ये सब कुछ आपको पता लग गया होगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।